नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, जैसे कि सेल बिल होता है, सेल बिल के ऊपर अगर आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं एंड फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट होके नहीं आता है तो क्या उसका रीज़न है, क्यों टैक्स रेट अप्लाई होके नहीं आता है आपके इनवॉइस में, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड किस रीज़न की वजह से नहीं आता है तो इसका सोल्यूशन एंड रीज़न दोनों हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं एंड देख लेते हैं कि आपके सेल इनवॉइस में जब आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं तो फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट होके क्यों नहीं आता है। तो गेटवे ऑफ दिल्ली से हमें भी प्रेस कर लेना है एंड राइट हैंड साइड से आपको सेल्स वाला वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। ऐप टू प्रेस करके आप उसका डेट चेंज कर लीजिए। देन पार्टी अकाउंट नेम, तो जिस पार्टी को आप सेल कर रहे हैं उस पार्टी का लेजर आप सेलेक्ट कर लीजिए। लेजर सेलेक्ट करने के बाद सेल्स लेजर में सेल्स एंड नेम ऑफ आइटम, तो यहाँ से हम कुछ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेते हैं। क्वांटिटी सपोर्ट कीजिए 2 पीसेस है एंड इसका डेट यहाँ पे मैंने अप्लाई कर लिया है। इसी टाइप से अगर और भी प्रोडक्ट है तो और भी प्रोडक्ट आप 1-to-1 सेलेक्ट कर सकते हैं। क्वांटिटी सेलेक्ट कर लीजिए, रेट सेलेक्ट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए जो टोटल एसेसेबल वैल्यू है 17,400 है, इसके ऊपर हम फ्रेट चार्जेस अप्लाई करेंगे। तो इसके ऊपर हमने फ्रेट आउटवर्ड जो है अप्लाई कर लिया है। सपोज कीजिए इसके ऊपर जो फ्रेट चार्जेस है 1,000 रुपीज़ है, तो 1,000 मैंने यहाँ पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे, जैसे कि हमारी इंटर स्टेट पार्टी है इसीलिए हमने इस पर आउटपुट IGST अप्लाई कर लिया है। तो टोटल यहाँ पे जो इनवॉइस की वैल्यू आप देख सकते हैं 20,000 समथिंग है। तो यहाँ पे जो एसेसेबल वैल्यू है 17,400 प्लस 1,000 फ्रेट चार्जेस, उसके ऊपर जो टैक्स रेट अप्लाई हुआ है। अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये जो टैक्स रेट है ये सही है या फिर नहीं, तो इसके लिए हमें राइट हैंड साइड पे मोर डिटेल्स पे जाना है। मोर डिटेल्स पे क्लिक कीजिए एंड उसके बाद GST टैक्स एनालिसिस पे हमें क्लिक करना है एंड राइट हैंड साइड पे लेफ्ट एरो शो होगा उस पर क्लिक कीजिए। देन डिटेल पे क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं, जैसे कि पहला जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई है, सेकेंड जो प्रोडक्ट है उसके ऊपर 12% टैक्स रेट अप्लाई है, सबसे एंड में आप देखिए फ्रेट चार्जेस जो है 1,000 उसके ऊपर कोई भी टैक्स रेट अप्लाई नहीं है, यानी कि जो टैक्स कैलकुलेशन है वो हमारी इस बिल में सही नहीं है क्योंकि फ्रेट चार्जेस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है। तो अब टैक्स कैलकुलेट नहीं हुआ है तो क्या रीज़न है, किस रीज़न की वजह से फ्रेट चार्जेस के लेजर में जो फ्रेट चार्जेस का अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट क्यों नहीं हुआ है। तो सबसे पहले जो फ्रेट आउटवर्ड का लेजर है वो हमें चेक करना है कि सही हमने क्रिएट किया है या फिर नहीं। तो उस लेजर पे कंट्रोल प्लस एंटर प्रेस कर लीजिए। अंडर देखिए डायरेक्ट इनकम है, GST इसके ऊपर एप्लीकेबल है, सेट एल्टर GST डिटेल यस प्रेस करके आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने कोई भी टैक्स रेट यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए हमारा जो फ्रेट वाला अमाउंट था उसके ऊपर टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं हो रहा था। तो अब हमें क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि फ्रेट का जो SSC कोड होता है वो आपको यहाँ पे अप्लाई कर लेना है। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो सेल्स टैक्सेबल ले लीजिए और यहाँ पे जो टैक्स रेट है 18% टैक्स रेट अप्लाई करते हुए इसको सेव कर लीजिए। टाइप ऑफ सप्लाई में आपको सर्विसेस रखना है एंड इस लेजर को आप सेव कर लीजिए। लेजर सेव करने के बाद यहाँ पे हमने जो एंट्री है, अब इस एंट्री में आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे जो टैक्स कैलकुलेशन है वो अभी शो नहीं होगा। तो अभी हमें क्या करना है, एक फ्रेश एंट्री करके मैं आपको शो करती हूँ। तो चलिए एक फ्रेश एंट्री कर लेते हैं, सेल्स वाउचर सेलेक्ट कर लेते हैं, पार्टी नेम, सेल्स लेजर एंड नेम ऑफ आइटम हमें सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे क्वांटिटी में 2 पीसेस ले लेती हूँ एंड एसेसेबल वैल्यू जो है वो 1900 है एंड उसके बाद यहाँ पे फ्रेट आउटवर्ड जो है, सपोज कीजिए जो फ्रेट चार्जेस है वो हम यहाँ पे 1,000 अप्लाई कर रहे हैं, तो फ्रेट चार्जेस 1,000 में कर लेती हूँ एंड इसके बाद हम इसके ऊपर टैक्स रेट अप्लाई करेंगे। तो देखिए इनवॉइस रेडी हो चुका है। अब चलिए रीचेक कर लेते हैं कि इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट हुआ है या फिर नहीं। मोर डिटेल में हम जाएंगे, टैक्स एनालिसिस में आपको जाना है। लेफ्ट एरो पे क्लिक कीजिए,
देन डिटेल पे हम क्लिक करेंगे। अब सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हैं। सबसे जो पहला प्रोडक्ट है उसके ऊपर देखिए 5% टैक्स रेट अप्लाई है, और जो फ्रेट चार्जेस है उसके ऊपर देखिए 18% टैक्स रेट आपको शो हो रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो लोकल टैक्स अप्लाई हो जाएगा 99%, क्योंकि जो हमने लेजर क्रिएट किया था फ्रेट चार्जेस वाला, वहाँ हमने सेल्स टैक्सेबल चूज़ किया था, इसलिए यहाँ पे 99% टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है। तो अगर आपको चेंज करना है तो आप फ्रेट आउटवर्ड में जाके आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सेट एल्टर जीएसटी डिटेल में आके नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में अगर आप लोकल पार्टी से लेते हैं तो सेल्स टैक्सेबल आपको करना है, अगर आप इंटरस्टेट से लेंगे तो आपको यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन में नॉट एप्लीकेबल सेलेक्ट करके एंड इस लेजर को सेव कर लेना है। लेजर सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, अब मैं चलती हूँ मोर डिटेल में, एंड मोर डिटेल में चल के देख लेते हैं जीएसटी टैक्स एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ देखिए लेफ्ट एरो पे क्लिक करना है, एंड उसके बाद डिटेल पे आप क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे फ्रेट चार्जेस देखिए 18% इसके ऊपर अप्लाई हो चुका है। तो इस टाइप से ये बिल करेक्ट है, एंड इस बिल को देखेंगे आप तो डिटेल में सारी इंफॉर्मेशन आपको शो होगी। ऊपर आपको फ्रेट पे 18% टैक्स रेट अप्लाई हो चुका है, एंड नीचे जो आपका प्रोडक्ट है उसके ऊपर 5% जीएसटी रेट अप्लाई है। तो इस टाइप से आपका जो बिल है वो करेक्ट है। आपके असेसेबल वैल्यू के बाद जो आप फ्रेट चार्ज अप्लाई करते हैं उसके ऊपर भी जीएसटी रेट कैलकुलेट हो चुका है, एंड इस टाइप से कंप्लीट आपके सेल इनवॉइस के ऊपर जो आप फ्रेट चार्जेस अप्लाई करते हैं अगर उसके ऊपर आपका टैक्स रेट कैलकुलेट नहीं होता है तो क्या रीज़न था एंड क्या सॉल्यूशन था वो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो इस टाइप से आप भी अपने इन्वॉइसेस को करेक्ट कर सकते हैं टैली प्राइम में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं, आप चाहें तो मेरे चैनल को सर्च भी कर सकते हैं। मेरे चैनल का नेम है सुमन एजुकेशन हब। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, उन सारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस। आपको वहाँ प्लेलिस्ट भी मिल जाएगी, आप प्लेलिस्ट भी वॉच कर सकते हैं। प्लेलिस्ट आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, तो डेफिनेटली प्लेलिस्ट को वॉच कीजिएगा। टैली एंड अकाउंट से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है, उन सारी वीडियो को वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोस।